वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 तारीख रात हमारे जो 2023 के जो हज को जाने वाले हाजी लोग, ये 45वीं फ्लाइट है, 45 फ्लाइट है, जो एक फ्लाइट में 150 लोग जा रहे थे, तो टोटल हमारे 51 फ्लाइट थे, 51 में 45 हो चुके हैं। अभी 6 फ्लाइट बाकी है जो 22 की रात को और 21 की रात को जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ हाजियों के लिए जो भी अरेंजमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो खैरियत से हुआ है। उनके जितने भी पासपोर्ट, वीज़ा, जो भी सऊदी के गाइडलाइंस है, वो अकोमोडेशन के मुताबिक अब तक के हम पूरा परफेक्ट हाजी लोग को तैयार करके यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना किए हैं। और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उनका अरेंजमेंट है। जैसे ही वहाँ पे हमारे जो खादिबुल हुजाज जो सऊदी अरब में है, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जैसे उनका लगेज लेके जब अजीज़िया जाते हैं, तो वहाँ पे कौन से बिल्डिंग में जाना है और कौन से रूम में रहना है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा कॉपरेट मिल रहा है हमारे हाजियों को। वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है कि काफ़ी यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है, और इस बात की मुबारकबादी भी दे रहे हैं कि आप कर्नाटक में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किए, खाने का, रहने का, भिजाने का, आप लोग की बहुत अच्छी खिदमत रही। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमें सऊदी अरब में भी मिल रहा है और उनके अरकान चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन हमारा ये काफिला जाने वाला है। 22 तारीख की देर रात तक हमारी फ़्लाइट जाएंगे, उसके बाद जो है लगभग 8,000 हाजी कम्प्लीट होंगे। उसमें एक हादसा अब तक हुआ है कि एक हाजी का इंतकाल हुआ था जो बल्लारी के थे, बाकी के पूरे हाजी सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और वो सऊदी अरब के लिए पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये भी हमारा काफिला 22 तारीख तक ख़त्म होगा। और एक जो हमारे बीदर, गुलबर्गा, रायचूर के जो हाजी थे, वो हैदराबाद एयरपोर्ट से जा रहे थे तेलंगाना से, तो कल जो है हमारे वहाँ का सिलसिला चालू हुआ था हैदराबाद से। तो हैदराबाद में बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगिर, तो कल पहला काफिला जो है बीदर के 350 हाजी थे, लगभग 250 हाजी कल गए, बाकी गए आज जा रहे हैं। और वहाँ पे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, काफ़ी उनकी कमेटी बहुत अच्छा हैदराबाद हज हाउस के अंदर, तेलंगाना के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया है, और हमारे पूरे कर्नाटक के हाजियों को बहुत अच्छी उन्होंने खिदमत की है। और कल एक अच्छी बहुत गैदरिंग रखे थे उलमा इकराम को बुला करके, जिसमें मैं और हमारे हज और म्यूनसिपल के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और हमारे बीदर के जिम्मेदार उलमा इकराम उस फंक्शन में मौजूद थे। वहाँ पे हम लोगों की गुलकुशी की गई और हमारे लिए दुआएं किए गए वहाँ पे, और हमारे बीदर, गुलबर्गे के हाजी वहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो कल हमारे लगभग 350 हाजी जो बीदर, गुलबर्गा गए, आज लगभग 350 हाजी जा रहे हैं। तो हर दिन हमारे बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगिर लगभग 1200 हाजी तेलंगाना, हैदराबाद, सऊदी के लिए जाएंगे। और आज का जो काफिले में हमारे जो कर्नाटक से जो जाने वाले एयरपोर्ट से जो हाजी थे, उसमें आंध्र प्रदेश के जो अनंतपुर के हाजी भी हैं, वो भी लगभग हमारे पास 1300 के आसपास मैं समझता हूँ वो भी हाजी आंध्र के हमारे पास से जाएंगे।